बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप के हवाले से। जैसा कि रमीज राजा कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान की टीम जो भारत नहीं जाएगी 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो आप रमीज राजा चेयरमैन नहीं रहे तो आप नजम सेठी आए। नजम सेठी ने भी कहा था कि भारत से हम बात करेंगे, तो अब इस हवाले से नजम सेठी जो रवाना हो चुके हैं बहरीन, तो इस सिलसिले में वहाँ इजलास होगा ACC का। जैसा कि जो सेक्रेटरी हैं BCCI के जय शाह, वो कह चुके हैं कि जो एशिया कप वो पाकिस्तान में नहीं होगा और पाकिस्तान में भारत की टीम जो है वो नहीं जाएगी। तो आप देखते हैं ये 4 फरवरी को ये इजलास होने जा रहा है, तो इसमें तमाम तार जो ये फैसले हैं वो डिसाइड हो जाएंगे कि पाकिस्तान में एशिया कप होगा या नहीं। ज़्यादातर जो चांसेस हैं मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं शर्जील खान की वापसी के हवाले से। जैसा कि कल रमीज राजा से सवाल किया गया कि शर्जील खान की वापसी होगी या नहीं, और आमिर के हवाले से भी सवाल किया गया कि नजम सेठी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आ सकते हैं, तो इस हवाले से रमीज राजा का कहना था कि अगर आपने इजाज़त देनी तो दोनों को दें या दोनों को ना आने दें टीम में। तो इस हवाले से उनका कहना था कि ये दोहरा म्यार है नजम सेठी का, और अगर देखा जाए तो रमीज राजा का भी दोहरा म्यार होता था। वो शर्जील के हवाले से थोड़े से नरम दिल थे और मोहम्मद आमिर के हवाले से सख्त दिल थे। हालांकि उसके बाद बात करते हैं कि मोहम्मद हफीज़ की PSL 8 में वापसी होने जा रही है। जैसा कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो जो नुमाइशी मैच होने जा रहा है 5 फरवरी को पेशावर और क्वेटा के दरमियान, उसमें हमें कमेंट्री बॉक्स में नज़र आएंगे। बाद मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो PSL 8 जो होगी उसमें भी कमेंट्री करते हुए नज़र आएंगे। तो ये थी ताज़ा अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।